भारतीय रेल अपने यात्रियों को किराए पर 43% की सब्सिडी देती है, लेकिन अब इंडियन रेलवे यात्रियों से ये सब्सिडी छोड़ने की अपील कर सकता है। रेलवे ये अपील गैस सब्सिडी की तर्ज पर कर सकता है। आने वाले दिनों में जब आप टिकट बुक कराएं, तो आपको 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें यात्रियों से 100% सब्सिडी छोड़ने या 50% सब्सिडी छोड़ने की अपील होगी, जबकि तीसरा ऑप्शन होगा कि पैसेंजर कोई सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहता है। दरअसल रेलवे इस बात की तैयारी काफी वक्त से कर रहा था, लेकिन लोगों की नाराजगी के डर से इसे लागू नहीं किया। रेलवे के इस फैसले के पीछे 950 रुपए का एक चेक है, जिसे एक यात्री ने सब्सिडी के तौर पर रेलवे को वापस किया। यात्री ने ये पैसे IRCTC के नाम पर काटे हैं, क्योंकि ना तो IRCTC के नाम से रेलवे का कोई खाता है और ना ही कानूनन रेलवे ये पैसा वापस ले सकता है। इसलिए LPG सब्सिडी की तर्ज पर रेलवे ये ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा है।